राजस्थान में दो चरणों में होगा लोकसभा चुनाव। भाजपा कांग्रेस दोनों में चल रहा है टिकट वितरण का मंथन। भाजपा युवा और नए चेहरों पर खेल सकती है दाव। कांग्रेस की अभी भी है पुराने और जिताऊ नेताओं पर नजर। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों के लिए दो चरणों में मतदान होने जा रहा है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी कांग्रेस और भाजपा ने अभी तक भी सभी सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। कांग्रेस और भाजपा में अभी भी मंथन और चिंतन चल रहा है। आपको बता दें कि कई नाम ऐसे हैं जिन्हें पार्टी हाईकमान टिकट देना चाहता है, लेकिन राज्य के नेता उन नामों पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि भाजपा जहां युवा और नए नेताओं को मौका दे रही है, वही कांग्रेस की नजर जिताऊ और अपने पुराने दिग्गज नेताओं पर है। जयपुर की दोनों सीटों पर चेहरा बदल सकती है भाजपा। भाजपा की कुछ सीटों पर अभी भी फंसा है पेंच। कांग्रेस कर सकती है कुछ सीटों पर गठबंधन। छोटे दलों से आए नेता भी चाह रहे हैं कांग्रेस से टिकट। भाजपा जयपुर की दोनों सीटों पर चेहरा बदलने के मूड में है और अभी भी राज्य 10 सीटों पर नाम फाइनल नहीं कर पा रहा है, जिनमें से 3 सीटों पर महिलाओं के नाम तय किए जा रहे हैं, मगर कुछ नामों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। वही बात करें कांग्रेस की तो पार्टी ने अभी तक भी दूसरी लिस्ट जारी नहीं की है। कांग्रेस अभी भी जोड़ तोड़ में लगी हुई है। कांग्रेस में कई नाम ऐसे हैं जो छोटे दलों से आए हैं और टिकट लेने का जुगाड़ कर रहे हैं। बताया तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस कुछ सीटों पर गठबंधन करने की भी कोशिश कर रही है और उसी वजह से दूसरी लिस्ट जारी करने में देरी बताई जा रही है। अब देखना होगा कि दोनों पार्टियां किन नेताओं को मौका देती है। तो फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए महानगर टाइम्स। नमस्कार।